इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों की सरगर्मी तेज। बिहार के बेगूसराय में बागा चौक पर भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस बैठक की गई। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के मूल मंत्र पर चलती है। कोई बगैर भेदभाव किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सभी क्षेत्र का समान रूप से विकास कर रही है। ये बातें भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष तुफेल कादरी ने गुरुवार को बेगूसराय में अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने अल्पसंख्यकों के कल्याण और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने तथा समग्र विकास के लिए चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए उसे घर घर पहुँचाने की अपील की है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है जो अल्पसंख्यक समुदाय आजादी के 7 दशकों के बाद भी केवल और केवल वोट बैंक का आधार बनकर रह गया था, लेकिन अब यह वोट का आधार नहीं है। विकास की मुख्य धारा से जुड़कर अपनी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाकर एक भारत श्रेष्ठ सपनों को साकार करने में लगा है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष परवेज आलम ने कहा कि विपक्ष द्वारा हतोत्साहित एवं निराशा में आकर अल्पसंख्यक समुदाय में दुष्प्रचार के माध्यम से उन्हें बरगलाने की जो कोशिश निरंतर की जा रही थी, लेकिन संपूर्ण अल्पसंख्यक समाज ने उन दुष्परिणामों को मिथ्या साबित कर भारतीय जनता पार्टी में जो विश्वास दिखाया है उस विश्वास के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं नेता अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए हमेशा प्रयासरत हैं। हम सब के सब यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग हैं और हम जानते हैं कि भारत माता की कोख के जन में हम सहोदर भाई हैं। इस रिश्ते को चीनी हथियार तोड़ नहीं सकते। वामपंथी ताकतें बोली है देश की आज़ादी में, हम सब मिल कर के भारत माता को आज़ाद किए थे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज हमारी पार्टी के जिला के अध्यक्ष माननीय परवेश साहब हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष कलाम अंसारी साहब है, नबी अहमद खान साहब है और सिकंदर साहब है, साबिर साहब प्रवक्ता हैं, साकिब जमानी साहब हैं, साकिब जिया साहब हैं और हमारी इशरत साहबा हैं, इब्राहिम साहब हैं और हमारे कार्यक्रम के प्रभारी शेख अब्दुल मन्नान साहब हैं। ये जो मैंने एक सीरियल से आपको नाम गिनवाया, यह मोर्चा क्योंकि अल्पसंख्यक यहाँ है इसलिए इसमें सभी जाति के लोग हैं। अन्य जगहों पर आप जाइएगा तो वहाँ सिख भी मिलेंगे, ईसाई भी मिलेंगे, बुद्धिस्ट भी मिलेंगे, पारसी भी मिलेंगे। हमने सबको बना करके सजा करके रखा है, इसीलिए हम कहते हैं जर्रे को चट्टान बना दे या अल्लाह, हम सबको इंसान बना दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम खाएं सब एक थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा, चाहे वो प्रदेश के पदाधिकारी हों या जिला के पदाधिकारी हों, सबके सब चुनाव में अपने अपने नहीं कराते चुनाव, आप और हम नहीं कराते चुनाव, चुनाव आयोग कराता है। वो एक अलग पार्ट है, एक अलग शोभा है और कैसे उस शोभे में इंटरफेयर सरकार करे। भारत के लोकतंत्र का एक अजीब स्तंभ है चुनाव आयोग और उसका निर्णय है, उस निर्णय का स्वागत भारतीय जनता पार्टी हर एक हाल में स्वागत किया है, हम स्वागत करते हैं। चलिए चलिए चलिए।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे संबोधन के तौर से गुजरा जाए। फूल से ही हम लोग का स्वागत करवा दीजिए। यह कार्य समिति जिला इकाई की है। आज हम सब गर्व से कहेंगे, फख्र से कहेंगे, भारत कोरोना के काल में भी जंग जीता है अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और गर्व होता है मित्रों की भारत का प्रधानमंत्री विश्व का नेता है, और जो विश्व का नेता है उस लीडर के नेतृत्व में अब विश्व चल पड़ा है। उसी आधार पे बिहार के चुनाव के पूर्व में बिहार के गरीब गुरबा के मुख से ये बात निकल रही है, बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव भी माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी के नाम पर हो रहा है, क्योंकि बिहार के और भारतवर्ष के तमाम बच्चों को मालूम है कि अमेरिका जैसा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्ग पर माननीय प्रधानमंत्री जी के रास्ते पर मॉडल पर अमेरिका में चुनाव लड़ रहा है। इंकलाब टीवी समाचार आपको अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।